नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है मैया यशोदा की अनसुनी कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास पेशकश की। पौराणिक ग्रंथों में यशोदा को नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। कंस से रक्षा करने के लिए जब वसुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए, तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास ने सजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि देव, जब भी हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। आइए जाने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद मैया यशोदा ने कैसे उनका पालन पोषण किया। यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया, तो अचानक सूतिका ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गए। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान गईं कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोली, अरे तुम सब देखती क्या हो, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिका गार आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य सजा गया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा।